हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज कंटिन्यू होंगी। एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि पीएफए के काफ़ी सारे कॉलेजेस के फॉर्म निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस के फॉर्म निकल चुके हैं। सो फॉर्म्स भर दिए होंगे आपने, आप तैयारी पर ध्यान दे दीजिए। सो अभी एक क्वेश्चन आया था तैयारी से रिलेटेड ही कि दी स्कल्पचर की तैयारी कैसे करें, ठीक है, जामिया में स्कल्पचर की तैयारी कैसे करें या फिर कॉलेज ऑफ आर्ट में स्कल्पचर की तैयारी कैसे करें, उसमें क्या क्या आता है। सो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता कि स्कल्पचर के अंदर क्या आता है, क्या किस तरीके से उसका एंट्रेंस होता है, ठीक है। सो जामिया की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो स्कल्पचर के अंदर जो है आपका सबसे पहले आता है थ्योरी। थ्योरी जो है सब में कंपल्शन होता है, वो तो सब में आपको करना ही होता है, ठीक है। दूसरी आती है आपकी जामिया के अंदर फिगर ड्रॉइंग। फिगर ड्रॉइंग जो कि चारों स्ट्रीम्स में आती है, मैंने बताया था एक लास्ट वीडियो में। अब इसके अलावा जो है आपका थर्ड बचता है क्ले मॉडलिंग। अब क्ले मॉडलिंग के अंदर क्या आता है और कितना टाइम आपको दिया जाता है, सो इसमें आई थिंक आपको 1 hour and 30 minutes यानी कि पूरा 1.5 घंटा दिया जाता है इसमें आपको। एंड इसके अंदर आपको जो है क्ले मॉडलिंग में ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, टॉपिक दे दिया जाता है बेसिकली ऑब्जेक्ट के एंड या फिर कोई फिगर का नाम दे दिया जाता है। चॉइस आती है आपके पास 2 या 3 में से, जो है आप किसी भी एक के ऊपर जो है क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं। टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया है, सो इतना सफिशियंट होता है क्ले मॉडलिंग करने के लिए। एंड आपको जो है घर पर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है, घर पर जो नॉर्मल चिकनी मिट्टी होती है आप उससे कुछ ना कुछ बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो क्ले स्कल्पचर के अंदर बेसिकली क्ले मॉडलिंग आती है, इसमें आपको डायमेंशन साइज वगैरह दे दिया जाता है कि आपको कितना बड़ा स्कल्पचर बनाना है या कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है, सो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है एंड फिगर भी बनवाने के लिए आ जाती है। सो चॉइस आती है, सो उसके लिए घबराइए मत, क्योंकि एक ही कोई चीज़ नहीं दे देते वो लोग, 2 या 3 देते हैं, उसके अंदर से आपको कोई एक बनाना होता है, ठीक है। सो ये था स्कल्पचर के बारे में कि स्कल्पचर में क्या आता है। सेम ऐसा ही कॉलेज ऑफ आर्ट में भी होता है एग्जैक्टली, बस वहाँ पर ये चेंज है कि वहाँ पर आपको जो है फिगर ड्राॅइंग की जगह आपको स्टिल लाइफ बनानी होती है, ठीक है, वहाँ पर स्टिल लाइफ बनानी होती है। देन दूसरा जो है आपको क्ले मॉडलिंग करनी होती है और थ्योरी होती है। थ्योरी जो होती है आपकी उसमें 20 questions होते हैं, तो वो 30 marks की होती है। सो ये था कॉलेज ऑफ आर्ट और जामिया के स्कल्पचर के बारे में। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जामिया अप्लाइड के ऊपर मैंने जो वीडियोज़ बना रखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी मैंने बना रखी है काफ़ी सारी, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड मिलते हैं, अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड बाय बाय।